जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते थे तो हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स या हम लोग को खुद को फील होता था कि मेट्रो सिटीज में इतने हाई एंड प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो लोग हमको भी आके बोलते थे कि आप वैसा कुछ क्यों नहीं कर सकते जैसा हम बेंगलोर में, कलकत्ता में या दिल्ली में देख के आ रहे हैं। मैं और अजय जी बैठा हुआ था तो ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग 10 तल्ला बनाते हैं, 12 तल्ला बनाते हैं। फिर मेरे माइंड में और उनके माइंड में ख्याल आया कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो लोग अपने को यादगार के हिसाब से भी बने, प्लस जो रहे फैमिली उनको खुशियाँ मिले। उसी हिसाब से हमने आस्ते आस्ते पहले दिल्ली कलकत्ता ऐसे करते करते हमने संजय जी पुरी के पास पहुँचे, उन्होंने मुझे हौसला दिया, हौसला देके इस प्रोजेक्ट को 24 तल्ला हाईलाइट तक लेके गया। हम लोगों ने शुरू करने से पहले जो कॉन्सेप्ट माइंड में किया था कि वी आर गोइंग टू गिव पीपल ऑफ सिलीगुड़ी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट, ताकि लोगों को बाद में ये कंप्लेन नहीं हो कि सिलीगुड़ी में कुछ भी अच्छा नहीं बना। सिलीगुड़ी के लिए बहुत खुशी की बात भी है जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी वासियों को मिल रहा है, और इस प्रोजेक्ट का जो भी वीडियो या ब्राउचर जो देखेगा उसका जरूर एक बार दिल कहेगा मैं इसके अंदर लेके रहूं। ये ऐसी चीज़ ही बना रहे हैं जैसे एक खूबसूरती जो होती है, खूबसूरती के पीछे दुनिया दौड़ती है, वैसे ये खूबसूरती नेचुरल खूबसूरती मिलेगी आपको। तो व्हेन वी थॉट अबाउट द प्रोजेक्ट, आवर फर्स्ट एस्पेक्ट वेयर कि इतना ग्रीन होना चाहिए प्रोजेक्ट में कि लोगों को फिर ग्रीन के लिए बाहर हंटिंग नहीं करना पड़े। वी आर गिविंग टॉप क्लास एमिनिटीज इसमें। अभी जैसे आप देख लीजिए कि हमने किड्स के लिए, एडल्ट्स के लिए या सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग स्पेसेस क्रिएट किए हैं जहाँ पर वो अपना आराम से लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में एजेड लोगों के लिए अलग सोचा है, उनके लिए सिटिंग एरिया अलग दिया है, बच्चों के लिए खेल कूद के लिए अलग दिया है, जो मीडियम 30 से 40 साल के जो हैं उनके लिए अलग क्लब हाउस दिए हैं ताकि वो सब तरह की सब मस्ती कर सके वहाँ और एकदम माने एंजॉय के साथ रहे, ऐसा सारा उसके अंदर दिया है। वी आर हैविंग अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिल जाएंगे, स्क्वैश है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, स्विमिंग पूल ऑफ कोर्स इज अ वेरी कॉमन फीचर नाउडेज, प्लस देयर इज अ बैंकेट हॉल व्हिच कैन कैटर टू द एंटायर रेसिडेंस। हर एक इंसान लेता अपना सपना पूरा करने के लिए, वो सपना ये भी मून में लेने से उसका पूरा होता है। ऑल द फ्लैट्स आर 3 साइड ओपन सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रॉस वेंटिलेशन, देयर इज नो ब्लॉकेज ऑफ एयर। वी हैव केप्ट द रूफ बॉटम टू रूफ हाइट एज 11.5 feet, सो दैट विल ऑल्सो गिव लॉट ऑफ वेंटिलेशन। क्लब हाउस इज यूनिकली डिजाइन इन दिस प्रोजेक्ट कीपिंग इन व्यू ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। हमने कहीं पर भी ऐसा कवर अप करने का कोशिश नहीं किया है जिसमें आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत हो। द क्लब हाउस विल बी लिट ऑल डे लॉन्ग विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइट। इसको हम क्लब हाउस नहीं बोल सकते, इसको क्लब हाउस नहीं, ये 5-star होटल ही है एक तरह की। इसके अंदर जो फैसिलिटी है जो रहेगा उसी को पता लगेगा। इस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड वेरी नियर टू बागडोगरा एयरपोर्ट, द रेलवे स्टेशन इज नॉट मच फार, ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज आर नियर बाई, प्लस हम लोग खुद इसके सामने में हमारा सेकेंड फेज जो आएगा, वी आर गोइंग टू डेवलप अ बिग मॉल एंड अ होटल, सो दिस लोकेशन विल बी अ कम्प्लीट। वंस अ पीपल एंटर्स दिस लोकेशन ही विल नॉट नीड टू गो एनीवेयर एल्स फॉर एनीथिंग एल्स। इस प्रोजेक्ट में हम लोग 3 साल से लगे हुए हैं, 3 साल से करते करते आज इस स्टेज पे पहुंचे कि इसका काम स्टार्ट हो रहा है। If you like to ask me in one line ki what is the unique about Mewmont, so I will tell you one thing only, that it is the ultimate luxury. You should live to believe it.